हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर जिसका नाम है खुशबू हुसैन ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ, हम हो चुके हैं रेडी और निकल रहे हैं अभी मार्केट की तरफ। और ये आ गई है टूटी हुई सड़क, जिसकी वजह से आपका हिलेगा हाथ, जोर से गाड़ी हिलेगी। तो वैसे तो हमारा प्रोग्राम था कल जाने का, बट पता नहीं कल कुछ हुआ ही नहीं, प्रोग्राम बन ही नहीं पाया जाने का, क्योंकि हम सोचते ही रह गए कि अब चले तो टाइम हो गया तो बहुत ज्यादा ही। तो मैंने सोचा कि कब जाएंगे, कब आएंगे और हम हिलेंगे, हिल रहे होंगे। तो देख रहे हो विनोद, कितना गड्ढा है भाई। तो अभी हम ऑलमोस्ट क्रॉस कर गए बस। तो हमारा कल का कुछ प्रोग्राम बन ही नहीं पाया, सोचते ही रह गए कि हमने जाना है। तो बस अभी निकले हैं, तो देखते हैं। जब मैं दिल्ली आई थी तो मैंने वेग जी को बोल ही दिया था कि मुझे जाना है सरोजनी नगर और लाजपत नगर, तो क्योंकि बहुत टाइम बाद आई हूँ तो बनता है इतना तो जाना। तो देखते हैं, कुछ अच्छा लगा तो ही खरीदेंगे, अदरवाइज मार्केट घूम के आ जाएंगे और आप लोगों को भी मार्केट का दर्शन करा देंगे कि कैसी है मार्केट, कहीं इधर उधर तो नहीं हुई है। मार्केट के भी बुरे हाल होंगे बेटा, धूप तो तेज हो रही है, गर्मी। बस इसी वजह से आई थिंक कल का भी प्रोग्राम हमारा रह गया था कि गर्मी की वजह से थोड़ा, लेकिन फिर जाने का भी वापस टाइम आ रहा है तो मैं सोचूं कि चलो ठीक है, कुछ देखते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे, नहीं लगा तो नहीं रहेंगे। तो बस अभी आपको मिलते हैं, पहले देखते हैं कौन सी मार्केट जाते हैं, लाजपत या सरोजनी, जो भी रहेगा आप लोगों को व्लॉग में पता ही लग जाएगा। नया हाईवे दिख रहा है जो मुंबई के लिए जो कनेक्ट हो रही है ना द्वारका से, ये वो जगह है। ओके भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त बनाया है। वाह यार, ये तो बहुत मस्त लग रहा है। हाँ, बहुत ही जबरदस्त बनाया है, बहुत ही। ये पूरा वो देख, पीछे यशोभूमि बना है ना, जैसे प्रगति मैदान है, ये भी ये यशोभूमि बना है यहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर भी मेरे ख्याल से इवेंट्स वगैरह होंगे, तो okay. उसी के लिए मेरे ख्याल से, मुझे इतना कंफर्म नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ही जबरदस्त बनाया है यशोभूमि। और वहीं से ही मतलब उसके पीछे से ही फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाते हैं, और फ्लाईओवर अंडर पास डबल फ्लाईओवर एक के ऊपर एक। अभी आजकल जब मैं जाता हूँ ना तो यहाँ से ऊपर से होके जाता हूँ, तो हम लोग इस तरफ से है ना, अभी हम लोग इस फ्लाईओवर के ऊपर से जाते हैं। ओके, ये जो ऊपर जा रहा है। हाँ अच्छा, अभी स्टार्ट कर दिया सारे फ्लाईओवर। अच्छा, लास्ट टाइम हम मैं जब आई तब बन रहे थे, है ना? अभी भी मुझे चल रहा है कंस्ट्रक्शन इनका। देखो, मैं कितने टाइम बाद आई हूँ, मैं काफी टाइम बाद आई हूँ। तो अभी क्योंकि ये ना बन रहे थे उस टाइम पे और ये बन चुके हैं, आप देखो। हम लोग लास्ट तब आए थे जब हम लोग खाटू श्याम वगैरह और वो सब गए थे वहाँ पे, उसमें तो काफी टाइम हो गया। वो एरोप्लेन गया, एरोप्लेन गया, प्राइवेट जेट है वो। अच्छा, तो जी सामने जा रही है ट्रेन, देख सकते हैं। इसके नीचे अंडरपास, अंडरपास के नीचे फिर अंडरपास, डबल अंडरपास है। अच्छा, उधर से होके निकल रहे ना वो, देखो। अरे मतलब मेरे को लग रहा दिल्ली खोखली हो गई है पूरी। सरिया डलता है क्या? आरसीसी ये है ना, ये जो आ रहा है डबल अंडरपास। ओके, बहुत ही जबरदस्त बनाया है, बहुत ही जबरदस्त। हाँ, तो मेरे को जब यहाँ आए थे तो ये यहाँ पर नहीं, बारिश की वजह से कितना वो हो रखा था, कितना फिलिंग मैंने होते हुए देखी है। यहाँ फिलिंग बहुत अच्छी हुई है, जैसे बीच में कहीं भी सुनने आता ना कि एरोप्लेन कितने पास से यार। मैं बोल रहा ना, यहाँ पे थोड़ा सा रूट का कुछ चेंज हुआ है, शूट हो गया, चलो कैमरे में आ ही गया। अभी अगर कोई लैंड करता हो दिखा ना, बिल्कुल इतना ऐसा लगता है बिल्कुल बाजू में उतर रहा है। वाओ, हमने देखा है यहाँ से, रोज जाता हूँ ना तो मुझे दिखते रहते हैं। चलो देखते हैं, मौसम बेटा बाहर निकलोगे तो पता चलेगा। चलो, मालिक अगर कह रहे धूप चली जाए, अच्छा है, हमें घूमने को थोड़ा सा मिल जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से सारा वो है ना, एयरपोर्ट है ये सारा। गाइस, ये जो सारा आप एरिया देख रहे हैं ये एयरपोर्ट है, और थोड़ा सा अगर मैं ऐसे ऊपर को ऐसे करूंगा तो एरोप्लेन भी दिख जाएंगे, अभी दिखेंगे आगे से। हाँ, शायद दिखेंगे, वो आगे एक जगह है जहाँ पर थोड़ा सा खुला है एरिया, अगर वहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा तो दिख जाएगा, क्योंकि
मैंने पहले भी शायद शूट तो किया है यहाँ पर ये एरिया, पर यहाँ पर सड़क जो बन गई है ना, ये मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ तो ये थोड़ा सा नया रूट दिख रहा है मुझे, क्योंकि जब मैं पहले आई थी तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और कुछ बारिश की वजह से ना इतना कीचड़ कीचड़ था, पूछो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा था, मतलब कीचड़। तो गाइज ये देख सकते हैं, ये है एयरपोर्ट, जो कि यहाँ पर प्लेन्स अगर आपको दिख रहे हो, क्योंकि हम गाड़ी में हैं अगर आप तो यहाँ पर खड़े बहुत सारे खड़े हुए थे, तो एक जा रहा है स्पाइस जेट का, पता नहीं कहाँ जा रहा है, पर मुझे दिख नहीं रहा, अच्छा वहाँ सामने है। तो ये है, ये देख सकते हैं, ये देखिए प्लेन खड़े हुए हैं काफी सारे यहाँ पर, अगर आपको दिख रहे हो, मैं जूम कर रही हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर प्लेन खड़े होते हैं वो देखिए, तो यहीं से उड़ान भरी जाती है, यहीं पे आते हैं। ये एक नया फ्लाईओवर भी एक जिम्मेदार और बन गया है, ये जैसे हम लोग पहले आते थे ना सूर्य बाग से, एक रास्ता कटता था ऊपर की तरफ जो द्वारका के अंदर से लेके आता था, या फिर अगर आपको गुड़गांव वाली साइड से आगे से आगे यू टर्न मार के आना पड़ता था, तो वो यू टर्न जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही बीच में एक फ्लाईओवर है, वहीं से होकर के आ जाओ। एयरपोर्ट के बाजू में या तो प्लेन तोड़ते ही रहते हैं। अब तो वहाँ सोसाइटी के ऊपर भी से तो कितना जाता है, हाँ, हमारे उधर भी बहुत आता है, डेरा वगैरह में इसका ना एयर ट्रैफिक मूवमेंट चेंज हुआ है, पहले मतलब उस साइड से इतने नहीं जाते थे, अब तो उस रात को सो दो तो आवाज ही आती रहती है उसकी प्लेन्स की। हाँ ये भी बहुत पास था, ये देख सकते हैं स्पाइस जेट का ना, ये भी मुझे दिख नहीं रहा। हाँ वही रेड वाला, वही होता है, कहाँ गया, चला गया वो रहा, वो जा रहा है। तो जी हम पहुंच चुके हैं लाजपत नगर, पहले आए हैं सबसे पहले, तो वहाँ पर जो थी पहले पार्किंग कौन सी थी जो एंटर, तो मैंने थोड़ा शूट किया, मल्टी लेवल का पार्किंग थी वो, लेकिन वो फुल दिख रही फुल दिख रही थी, और अभी यहाँ पर भी पूरी भरी हुई यार, मुझे तो समझ नहीं आता लोग 24 घंटे मार्केट में ही रहते हैं, कुछ मतलब वाले हैं, कुछ आसपास वाले भी यहीं पे गाड़ियां लगा लेते हैं अपनी, मतलब तो शॉप्स वाले भी होंगे ना, शॉप्स वाले हैं आसपास की सोसाइटी की है। तो जी आ गए हैं बहुत टाइम बाद हम लाजपत नगर, सेंटर मार्केट के नाम से है, जैसे हम लोग तो लाजपत नगर ही बोलते थे, लाजपत नगर जाना है, तो मेरे को लगता है वेग जी की फेवरेट मार्केट सरोनी नगर लाजपत, सोनी तो ये भी तो थी, ये पास में थी तो मैं आ जाता था इधर, अदरवाइज शादी के बाद हमने कहीं जाना तो मैंने हर संडे सैटरडे संडे वेग जी की होती थी छुट्टी, तो हमने सोचना कि चलो, मैं स्पेशल सोचती थी आज तो वेग जी कहीं नई जगह लेके जाएंगे मुझे घुमाने के लिए, दिल्ली कहीं घूमेंगे, तो जब दोपहर बाद ना करते करते जब नाश्ता हो जाता था, लंच हो जाता था, फिर वेग जी का मूड होता चलना कहीं घूमने, मैं बोलती थी हाँ चलो चलो चलते हैं कहीं घूम, मतलब कोई नई जगह निकालेंगे, चल फिर हो जाते हैं सरोनी होके आते हैं कटे ना, हाँ आगे भी है एक, आगे भी है नहीं एक आगे से भी है, तो वेग जी ने बोला सरोनी होके आते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो यार, मतलब फेवरेट जगह ही लेके जाना है और कहीं नहीं जाना है। आगे हम उन गलियों में, पहले यहाँ तो मैं अकेली भी आ जाती थी, तो जैसे कुछ लेना है या कभी मम्मी आए, मम्मी के साथ आ गई, अकेले कुछ लेना है अकेले आ गए, काफी घूमा है यहाँ पर, वो सारी चीजें यहाँ देखना इतना याद आ गई वो चीजें टाइम के, क्योंकि यहाँ पास में ही रहते थे, बहुत ज्यादा दूर नहीं था पहले। अभी हम हो आए हैं लाजपत नगर से, अब हम जा रहे हैं सरोनी नगर, लाजपत नगर पूरी मार्केट ही घूमे, बट क्योंकि टाइम भी पूरा सूरा था और हमको सरोनी भी जाना था, तो ऐसा जितना घूम पाए सेम ही चीज दिख रही थी बहुत ज्यादा, मतलब हाँ कुछ वैरायटी तो नहीं आई है, जैसे कोट साइड कॉटन में आए हैं वो अच्छे लग रहे थे, और एक दो चीजें मैंने भी लिए, जो मैंने लिए मैं आपको घर जाके जरूर दिखाएंगे हम कि हमने क्या क्या लिया, बस
साइज आ जाए यहाँ पर ट्रायल के लिए ट्रायल के लिए नहीं था यहाँ पर, तो हमने वैसे तो वो भैया के पास इंची टेप था, उन्होंने नाप के दिया है नहीं मैम ये आ जाएगा। वैसे हम पतले लगते हैं लेकिन जब कपड़े ले जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता कि साइज क्यों नहीं मिलता है ऐसे। कि मैंने एक्चुअली क्या हुआ, भैया ने पूछा जीन्स का क्या साइज आएगा, तो मैंने कहा 36 आ जाएगा। तो जब वो हमारे को एक चीज दूसरी पसंद आ रही थी कार्गो में, बट वो जब मैंने कहा वेस्ट साइज सिर्फ 36 ही होगा। हाँ, जो वो जो पैंट लिए ना अपने वो क्या है, वो हाई वेस्ट है, वो स्टमक के ऊपर आ रही है, तो फिर स्टमक के ऊपर वो तो 38 आएगी। इसका मतलब 30, वो मेरा 42 था, इसका मतलब मैंने कम किया है। हाँ तो आपका वेट रिड्यूस तो हुआ है, इतना क्यों कर रहे हो? नहीं मतलब मेरे को ऐसा लगा यार कि मैं नहीं हुई मतलब पतली, जिम विम का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन नहीं सच में मेरे को मतलब पहले वो जो वेस्ट वाला था वो मेरा 42-43 ऐसे आता था, अभी मैं जब आया तो अभी मैं 38 पे आ गया। वो जब मैं लखनऊ से आया था वहाँ पे, तब से लखनऊ से आने के बाद मेरा वजन बढ़ गया, तेरा मेरा घट गया, तेरा घटा यहाँ पे। वो गाना भी था ना केड़ा, रंग काला पै गया वे सजना तेरे, वो आ जाएगा तेरा पूरा नहीं गाया यूट्यूब वालों, पूरा नहीं गाया तो गाइस चलिए अब तो जी ये हमने गाड़ी अपनी खड़ी कर दिया है लिफ्ट में, पार्किंग हमने यहाँ पर लगा दी है, अब हम चलेंगे मार्केट की तरफ। जाएगी अभी तो ये है गाइस सरोजनी नगर का हॉल मुझे ऐसा क्यों लगता है जब मैं मार्केट आती हूँ तो सारी दुनिया ही आ जाती है पीछे पीछे, मतलब ये ऐसी मार्केट है यहाँ पर कभी भी रश कम नहीं मिलता मुझे लाजपत और सोनी। ये तो अभी यहाँ पर शुरुआत है, आगे आगे जहाँ गेट होगा तो और भी ज़्यादा होगी, रश बढ़ता ही जाएगा। मे बी मार्केट में फ़ोन निकालने का टाइम ना मिले तो समझ जाइएगा आप रश था इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाई। तो जी सरोजनी नगर से हो लिए हैं हम और अब जा रहे हैं घर, तो देख सकते हैं ट्रैफिक में दिल्ली हो और दिल्ली का ट्रैफिक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिन में भी था पर इतना ऐसा नहीं था, मतलब चल रहा था। ये पता नहीं आगे रेड लाइट होगी शायद से, उसका ही होगा जाम ट्रैफिक। और ये रोड ना आगे जाके रिंग रोड पे मर्ज होती है तो यहाँ पे हमेशा जाम लगता है। अच्छा दूसरा मैं ये बोल रही थी कि मार्केट में मैंने फोन नहीं निकाला क्योंकि बहुत ज्यादा रश था, जैसे कि मैंने पहले बोला ही था कि मैं अगर बहुत ज्यादा रश होगा क्योंकि मार्केट में अगर आप जा रहे हो तो आप सेफली जाओ, कौन सा कब पता नहीं हाथ से फोन खींच के भाग जाए तो कुछ पता नहीं, आप खो दो अपनी चीज। तो मैं ये चीज बड़ा लेकर चलती हूँ कि नहीं अगर नहीं मार्केट में शूट किया तो कोई बात नहीं, बट मैंने आपको दूर से मार्केट दिखा दी थी और अंदर रश भी दिखा दिया था काफी है, तो इसलिए मैंने फोन बाहर नहीं निकाला तो अंदर का मैंने शूट नहीं किया। क्या सामान लिया है क्या नहीं तो वो मैं आपको घर जाके ही दिखा दूंगी। तो बस फिलहाल हमारे रास्ते में मिलते हैं फिर आप लोगों को घर पर। तो बस हम अभी थोड़ी देर ही खस के हैं और फिर से जाम इतना है। वेग जी बोल रहे हैं आगे क्या है क्या है रिंग रोड का मर्जर, रिंग रोड का मर्जर तो यहाँ पर आपको जाम मिलेगा ही मिलेगा। तो व्यू अब अंधेरा भी हो गया है तो अभी देख सकते हैं आप। चलिए जी चल पड़ी है गाड़ी हमारी, ये दिल्ली है मेरी जान, ऐसा कुछ। तो गाइज हम लोग आ चुके थे शाम को घर और बहुत जोरों से भूख लगी थी तो पहले तो हमने किया डिनर, उसके बाद हमने जो जो लिया ये सामान सारा पड़ा हुआ है क्योंकि इतना थक चुके थे चल चल के लाजपत नगर और सरोजनी नगर कि हिम्मत ही नहीं थी कि आके व्लॉग एंड किया जाए, बस खाना खाया और सो गए थे। तो इसमें क्या क्या लिया मैं मोटा मोटा आपको ऐसे बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर लिए कुछ अपने स्लीपर्स, जैसे कि ये है ये अच्छी लगी बहुत, ऐसे कुछ सनफ्लावर वाली है और क्रॉक्स टाइप में है कुछ ऐसे, डॉल ने भी क्रॉक्स ली, बच्चों के कपड़े थे समर्स के
और कुछ मेरे ये पैंट प्लाजो था और क्या लिया था, जीन्स ली थी जो अभी हम चेंज ट्राउजर्स हैं, पता नहीं क्या क्या तुमने शॉपिंग करी है। मेरा कुंडा है, कुंडा मेरा कुंडा हुआ है ना। और आज गौर से देखो, आज मेन चीज हम लोग शॉपिंग के जो नेक्स्ट डे सबका फेवरेट काम होता है आज वो करने जा रहे हैं। व्हाट, कल जो कपड़े खरीदे थे आज चेंज कराने जा रहे हैं। वो तुम्हारा हमेशा का रहता है, वही प्रॉब्लम है ना, इसलिए मेरा मन नहीं करता तुम्हारे साथ जाने का शॉपिंग। हे भगवान। तो गाइस बस ये तामझाम है, कोई बात नहीं, जब मैं पहनूंगी ना व्लॉग बनाने के लिए इनको तो मैं बता दूंगी, ये मैं दिल्ली से लेके आई थी तो मैं आपको ऐसे बता दूंगी। फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए हम रेडी होते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।